गाइस, वेलकम टू बिगनर्स लंच बॉक्स। और आज आपके साथ मैं ज़बरदस्त किस्म की जो है वो भिंडी की भुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। झटपट रेसिपी बनती है, दो या तीन इंग्रेडिएंट के साथ आप बनाएं। एक बंदे की भुजिया मैंने बनाई है, इसलिए मैंने क्वांटिटी बहुत कम ली है। ये ऑल टाइम फेवरेट सब्जी है, सब लोग शौक से खाते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। मज़े की बात ये है, फिलहाल मैं लूँगी तकरीबन आधा पाव के करीब भिंडी लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। ये एक टेबल स्पून है वो लाल मिर्च है, और ये एक टेबल स्पून जो है ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर है। ये तीन से चार चम्मच जो है प्याज पिसी हुई, और एक टमाटर है, आधे कप से कम जो है वो तेल लिया गया है। अच्छा, आप ये देखिए, मेरे पास हमेशा एक डब्बा तैयार होता है जिसमें काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर जो है वो ग्राइंडेड रहता है, ठीक है जी। ये दो से तीन जो है वो चम्मच भर के प्याज है, यानी एक आप मीडियम प्याज ले लें, उसको चॉप कर लें। ये सारे इंग्रेडिएंट मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ। ये आधे कप से कम तेल है जो मैंने डाला है कढ़ाई में, और इसको थोड़ा सा गर्म करने कराएंगे। जैसे ही वो गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर जो है सबसे पहले हमने भिंडी फ्राई कर लेनी है जनाब। इसको सही से हमने कुरकुरा चिप्स की तरह भिंडी फ्राई हमने करके निकालनी है। रीज़न इसका ये है कि अगर मैं डायरेक्ट उसको सालन में डालूंगी तो ना ये लेस छोड़ती है, फिर बच्चे जो है ना वो बड़ा हंगामा मचाते हैं, वो अच्छी भी नहीं लगती। तो हमने क्या करना है, पहले इसको क्रिस्पी सा फ्राई कर लेना है, और फ्राई करके इसको हम छान के अलग कर लेंगे, और इसकी ग्रेवी जब बनाएंगे तो फिर इसको दोबारा हमने ऐड कर लेना है। तो पहले इसको हम क्रिस्पी कर लेते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको आप रोटी के साथ खाएं तो ये मतलब है कि आपकी, मैं तो समझती हूँ सब्जियों में सबसे फेवरेट सब्जी होती है भिंडी। हम शोले वाली भी बनाते हैं, ये ज़रा ड्राई सब्जी है, तो इसके साथ आपको कोई एक दो आइटम जो होते हैं वो और ऐड करेंगे। एक बंदे की है तो मैंने आधा पाव लिया, ठीक है जी। फ्रेश फ्रेश खाएं। मज़े की बात यह है कि इस सब्ज़ी में एक कतरा भी पानी नहीं जाना चाहिए, तब इसका मज़ा आएगा। सब्जी का जो एक टिप है, कम से कम बगैर पानी के बिल्कुल मिनिमम आंच में आप बनाए तो सब्जी बेहतरीन बनती है। ये जनाब देखिए, ये एक मीडियम प्याज है, यानी तीन चम्मच के करीब जो है वो चौके हुए प्याज है, वो हमने डाल दिया सेम में। दोबारा बताऊंगी, कोई भी सब्जी आपको बेहतरीन बनानी है तो उसकी टिप ये है कि धीमी आंच में बनाएं और पानी ना डालें। अगर कोई ऐसी ख़ास सब्जी है जिसमें पानी की ज़रूरत है तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब तक ज़्यादातर जितनी होती है वो ड्राई जितनी सब्जियाँ होती हैं उसमें पानी नहीं डलता। ये जनाब हमारा एक बड़ा वाला टमाटर था, या दो मीडियम टमाटर, क्योंकि ये सब्जी जो है इसमें और कोई चीज़ नहीं जा रही है, तो सिर्फ ये जो है टमाटरों के साथ बनेगी। देखिए दो हरी मिर्चें हैं, तो टमाटर जो है दो मीडियम या एक बड़ा लेके चॉप कर लें। ये अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, हम भूनेंगे, अब भूनते जाएंगे। इधर देखिए हमारी जो है वो एक चम्मच के करीब लाल मिर्च है, आप कम भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। और नमक है, आधा चम्मच नमक किया है। लाल मिर्च अपनी मर्जी के हिसाब से, देखिए हमने एक चम्मच डाली है, आप जो है आधी डाल लें। और ये ज़ीरा काली मिर्च का पाउडर है, ये भी एक चम्मच के करीब डाला है। छोटी चम्मच बोली है, बड़ी चम्मच नहीं बोली, टी स्पून है। इसको अच्छे से भूनते जाएंगे। देखिए हमारा फ्राई हुआ जो है वो असल भिंडी वो हम अलग कर चुके हैं, इसकी हमने सही से कुकाई कर ली है। तेल ऊपर आ गया है, रंग तब्दील हो गया है, इसमें खुशबू भी आने लगी है। देखिए मेन चीज़ जो हमने देखनी है वो प्याज और टमाटरों का गलना है। ये हमने 10 से 15 मिनट तक हमने इसको भुना है, यहाँ तक कि प्याज भी गल जाए, टमाटर भी गल जाए, तेल ऊपर छूटना शुरू हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्राई हुई भी भिंडी इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है जी। अच्छे से इसको हमने फिर मिक्स कर लेना है, और इसको हमने 10 मिनट तक मजीद साथ में भूनना है। बहुत अच्छे से हम भूनेंगे और इसको दम पे करके रख देंगे, तो ये जो है अच्छे से मसाला इसके अंदर चला जाएगा। ये बड़ी ज़बरदस्त मसाला भिंडी बनेगी, ड्राई होती है, टेस्ट में बड़ी ज़बरदस्त होती है। अब इसके बाद आप इसको 5 से 7 मिनट ढक के धीमी आंच पे छोड़ दें, तो अच्छे से इसके अंदर जायका उतरेगा, ठीक है जी। 5 से 7 मिनट हो गए, तो हमने एक चम्मच गर्म मसाला पाउडर इसमें ऐड कर दिया है, वो भी टी स्पून है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने क्वांटिटी बहुत कम ली है, तो इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट। अब देखिए तेल सारा हम छान लेंगे, सर्विंग के वक्त में हम तेल अलग कर लेंगे, और सारी जो हमारी ड्राई सब्जी है वो हम छान के इसके ऊपर निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत सब्जी है, सिर्फ सूरत पे ना जाइए, इसकी सीरत भी बड़ी ज़बरदस्त है। मुझ पर भरोसा करिए, रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हिम्मत ना हारें। सब्जियाँ भी बड़ी ज़बरदस्त बनती हैं, और बार दफ़ा इतनी टेस्टी बनती है कि बंदा उसके बंदे जो है ना वो चिकन और ये मीट वगैरह छोड़ देता है। ट्राई करके देखें। चलें जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली रेसिपी में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।